हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के 3 फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, जो बहुत ही जल्द आपको ये बीटा प्रोग्राम में उसके बाद जो है वो सभी लोग के लिए जो है वो ये रोल आउट कर दिया जाएगा। सो व्हाट्सएप का जो वो 3 न्यू फीचर क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सो सबसे पहले नंबर पे है डिसअपीयरिंग मोड। तो ये डिसअपीयरिंग मोड क्या है, जैसे कि आप चैट कर रहे हो किसी से, तो पहले जो है वो नवंबर के टाइम में ये ऑप्शन आया था कि वो चैट जो है वो 7 डेज के अंदर ऑटोमेटिक जो है वो डिसअपीयर डिलीट हो जाएगा। बट अभी जो है वो एक न्यू टेस्टिंग जो है वो देखा गया है कि ये जो है वो 24 आवर के अंदर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। आपके जितने भी न्यू चैट्स होंगे वो सब ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाएगा। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तभी होगा। ऐसे आप जनरली आप चाहते हैं कि आपका चैट जो है वो सेव रहे तो वो भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इनेबल और डिसेबल का। अगर आप इनेबल करते हैं तो आपका जितना भी चैट है वो 24 आवर या 7 डेज के अराउंड जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। ये पहला फीचर था जो व्हाट्सएप में आने वाला है। दूसरा है व्यू वंस वीडियो और फोटोज़। तो व्यू वंस जो है ये एक जैसा कि आपको इंस्टाग्राम पे मिलता है, कोई फोटो वगैरह आपको कोई डीएम करता है तो उसको आप एक बार देख पाते हैं, दोबारा देखने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो वही सेम फीचर जो है वो व्हाट्सएप में भी रोल आउट हो रहा है। और यहाँ पे भी आप कोई सेंडर जो है वो आपको सेंड करता है कोई फोटो या वीडियो तो उसको आप एक बार ओपन करेंगे तो दिखेगा और दोबारा जो है वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। बट यहाँ पे एक जो है वो ऑप्शन दिया गया है व्हाट्सएप की तरफ से कि आप जो है वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मे बी इसको फिक्स किया जाए इन फ्यूचर कि आप स्क्रीनशॉट भी ना ले पाएँ, बट यहाँ पे अभी जो है वो पता चल रहा है कि वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन दिया गया है। तीसरा फीचर जो व्हाट्सएप में आ रहा है वो है मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट। तो अभी जो है वो व्हाट्सएप अगर आप फोन में चला रहे हो और व्हाट्सएप वेब में यूज़ करना हो तो आपका फ़ोन जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी जाकर आपके पीसी में वगैरह में जो है वो व्हाट्सएप ऑन होगा। बट यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस का सपोर्ट दिया जा रहा है, एक अकाउंट को 4 प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर सकते हैं और आपको इंटरनेट का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें लॉग इन कर लिए स्कैन कर तो आपका फ़ोन अगर इंटरनेट से बंद भी है, वहाँ पे इंटरनेट ऑन नहीं है, तब भी आपका जो व्हाट्सएप है वो पीसी में या आपके टैब में वगैरह में जो वो चलता रहेगा। तो ये फीचर जो है वो लाया जा रहा है जो मुझे काफ़ी हेल्प करेगा। मैं हमेशा जो है व्हाट्सएप पीसी में यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, इसलिए ये फीचर भी जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। सो गाइस, ये 3 न्यू फीचर जो व्हाट्सएप में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको मेरा ये अपडेट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।